हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से, और ये मेरा एमसी एंट्रांस के कंप्यूटर सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एमसी एंट्रांस में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वंस कॉम्प्लीमेंट है और टूज कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट में जस्ट हम क्या करते हैं, कन्वर्ट जीरो टू वन एंड वन टू जीरो। जीरो को वन में कन्वर्ट कर देते हैं और वन को जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई नंबर है 110 10, अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वन का जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, जीरो का वन हो जाएगा, वन का जीरो और जीरो का वन हो जाएगा, तो इसे हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब बात आती है टूज कॉम्प्लीमेंट का। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, पहला स्टेप में करते हैं कन्वर्ट वन टू जीरो एंड जीरो टू वन। वन को जीरो कर देते हैं, जीरो को वन कर देते हैं, मतलब पहला स्टेप वंस कॉम्प्लीमेंट का होता है। तो कोई भी बाइनरी नंबर है तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लेते हैं और फिर उसमें वन ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, टूज कॉम्प्लीमेंट। जैसे इसी नंबर का अगर मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे वन का जीरो, फिर ये वन, फिर इसका वन का जीरो और जीरो का वन, और फिर हम इसमें वन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 110 फिर 011 और 100, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज क्या है, एक्चुअली क्या है। जैसे सपोज दैट 5 का बाइनरी नंबर मुझे निकालना है 8-bit में, कितने में, 8-bit में। तो 5 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 101 और उसके आगे 5 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 8-bit का है, तो 4 और 4 8 हो गया। अब आपको बोला जाए कि आप -5 का बाइनरी नंबर निकालिए, ठीक है। तो -5 का बाइनरी नंबर निकालने के लिए आपको इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप किसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट उसका नेगेटिव नंबर होता है। जैसे इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा वो -5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए देखते हैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के। तो इसका अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो 111 10 10 और इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा, 110 फिर 111 11, तो ये जो है आपका -5 का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से किसी भी नंबर के नेगेटिव को निकालने के लिए आपको उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। अब इसका एक एप्लीकेशन और मैं बता रहा हूं। सपोज दैट आपके पास एक बाइनरी नंबर है A और वो क्या है, 1101 है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा बाइनरी नंबर है B, ठीक है, और इसका वैल्यू है 0011 और आपको निकालना है A-B, और ये जो नंबर्स है ये आपके 8-bit रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, अभी हमने आपको बताया था कि माइनस बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बी से हमें माइनस बी बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा और उसमें वन ऐड कर देना पड़ेगा। तो अगर इस इक्वेशन को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, मतलब बी का पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और प्लस वन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। तो अगर आप ए को, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट से ऐड करके फिर उसमें अगर आप वन ऐड कर देंगे तो वही वैल्यू आएगा जो ए माइनस बी का आएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो अपना ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का हो चाहे मल्टीप्लीकेशन का हो, वो एडिशन का यूज करके ही करता है। तो सपोज दैट कोई क्वेश्चन आता है कि आप ए माइनस बी कैलकुलेट करें यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपको ए माइनस बी निकालना है पर टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके निकालना है, तो उस केस में इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। तो यहां सबसे पहले ए का वैल्यू लिख लेता हूं 1101, पर इसे मुझे कैलकुलेट करना है 8-bit में,
ठीक है, तो लिखना पड़ेगा 0000001101, ठीक है। फिर बी का वैल्यू क्या है, 0011, ठीक है, पर उसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, पर ध्यान रहे 8 बिट में, तो इसका मतलब ये 0011 नहीं है, बल्कि ये इसके आगे 4 जीरो और होंगे, ठीक है, क्योंकि इसे 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1111, फिर जाके 1 और लास्ट में 00, तो यहां पर 3 3 6 0 है, तो 6 1 आ गया, और लास्ट में 2 1 है, तो 2 0 आ गया, और फिर इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट है। तो चलिए 110 तो 0 हो गया, और यहां पर कैरी 1 बच गया, 100 1 हो गया, 110 फिर यहां 1 आ गया, 111 1 आएगा, कैरी 1 बच जाएगा, 110 फिर यहां पर 1 आ गया, 110 फिर यहां पर 1 आ गया, 110 फिर यहां पर 1 आ गया, 110। अब यहां पर 1 जो है वो बाहर चला गया, क्योंकि यहां पर हमें 8 बिट के लिए करना है, तो यही हमारा रिजल्ट हो गया, तो 0000 1010। तो चलिए देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट सही आया है। 1101 किसके लिए होता है, 13 के लिए, और 0011 किसके लिए होता है, 3 के लिए। तो 13 - 3 क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो क्या ये 401010 क्या ये 10 का है, बिल्कुल ये 10 का है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं रिजल्ट क्या आ गया, 10 आ गया। ये जो अलग से यहाँ पर 1 बच गया, ये आपका ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, तो ये आपका बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कैलकुलेशन 8 बिट के लिए ले रहे थे, तो हम 8 बिट को ही कंसीडर करेंगे। तो आप देख रहे हैं 13 - 3 आपका 10 आ गया, और यहाँ पर हमने यूज किया टूज कॉम्प्लीमेंट को। तो इस तरीके से जो है आप वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज कर सकते हैं, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि ये नंबर्स आपके टूज कॉम्प्लीमेंट में, मतलब ये नॉर्मल बाइनरी में नहीं है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है, तो अगर ये टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर है, तो अगर शुरू में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर यहां पर शुरू में 0 आ रहा है, मतलब जो लेफ्ट मोस्ट बिट जो है, लेफ्ट साइड में जो आपका बिट है, अगर वो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर हम देखते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट को लेके और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे सपोज ये बोला जाए कि आपके पास 4 बिट का नंबर है, तो 4 बिट के नंबर में क्या होगा कि आपका 3 बिट तो नंबर होगा, और 1 बिट आपका साइन के लिए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 1 बिट साइन के लिए हो जाएगा, क्योंकि 4 बिट का अगर टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर है, तो उसमें 3 बिट आपका नंबर के लिए हो जाएगा, और 1 बिट साइन के लिए हो जाएगा। तो 3 बिट में नंबर में क्या होगा, 2 का पावर 3, तो कितना होता है 8, इसका मतलब मिनिमम -8 होगा, और मैक्सिमम यहां पर +7 होगा। तो इसका मतलब अगर कोई नंबर 4 बिट में टूज कॉम्प्लीमेंट में है, तो उसका रेंज आपका -8 से +7 में आएगा, अगर वो टूज कॉम्प्लीमेंट में है, इसलिए मैं यहां पर जो है मेंशन कर रहा हूं टूज कॉम्प्लीमेंट में। अब यहां पर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या ये ओवरफ्लो होगा अगर ये टूज कॉम्प्लीमेंट में है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि शुरू में अगर ये 0 है, क्योंकि यह मेंशन है कि ये टूज कॉम्प्लीमेंट में है, तो शुरू में 0 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों पॉजिटिव है, तब आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, तो दोनों क्या आ गया 12, ठीक है, तो 12 क्या इस रेंज में आएगा -8 से लेकर +7 में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह सपोज डेट हम दूसरा नंबर लेते हैं 1111111, यहां पर शुरू में 1 आ रहा है, ठीक है, जो लेफ्ट मोस्ट बिट है 1 है, इसका मतलब ये नंबर नेगेटिव में है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर नेगेटिव में है, तो इसको आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इसका आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो 1111 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है, तभी जाके एक्चुअल डेसिमल नंबर आएगा, तो क्या होगा 0000, और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 0001, इसका मतलब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है -1 को, तो -1, और ये भी डिनोट कर रहा है -1 को, दोनों मिला के क्या आ गया -2, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो -2 -8 से -7 के रेंज में आ रहा है, तो इसका मतलब ये ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉट ओवरफ्लो। तो यहां पर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए हों और आपको बोले कि इसमें से किसमें ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस तरह से टूज कॉम्प्लीमेंट को लेके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने पूरा डिटेल में बताया कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जनरली आप कहीं भी पढ़ेंगे तो वहां पर बस ये बता देता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बच्चे केवल इतना पढ़ के चले जाते हैं,
पर जब एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। पर यहां अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर टूज कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।